हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स कोचिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम, जिसमें एक सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस जेड अबोव द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर द कैरी ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यानी कि ये है हमारे पास सर्कुलर लूप डायग्राम, इसकी इस पे चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ओके, तो इस पे हमें निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एक लाइन सेगमेंट लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे। तो चलिए मैं यहाँ से ये लाइन सेगमेंट डी एल ले लेता हूँ, और डी एल डी एल में डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी लेमडा डी एल। ओके, क्योंकि हम लेमडा को इस तरह कैसे डिफाइन करते हैं, डी क्यू अपॉन डी एल। ओके, नाउ डी एल से पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे आएगा और ये जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ये भी थीटा होगा, तो ये होगा ई डी ई, डी ई कॉस थीटा, और ये होगा डी ई साइन थीटा। अब चूंकि ये जो लूप है ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम से बना हुआ है, क्योंकि इसके हर एलिमेंट से, जैसे ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये एलिमेंट हुआ, ये जब पी पे आएंगे तो ई साइन थीटा की वैल्यू आती रहेगी ओनली इस प्लेन पे। ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पे, इस प्लेन पे और उस तरफ भी, इस प्लेन पे ई साइन थीटा की वैल्यू आती रहेगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। बचेगा क्या, डी ई साइन थीटा, जो ओ बाकी जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो जेड डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो हमें सिर्फ वो कैलकुलेट, डी ई साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये डी ई और ये इसका डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जो डी ई बनेगा डी क्यू की वजह से, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा डी एल अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये है आर अपना, इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू होगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया डी ई। और अपना जो टोटल ई है वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा डी एल डी ई की वैल्यू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू है जेड बाई आर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर जेड अपॉन इस लिखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू। ओके, और इंटीग्रेशन। अब डी एल है क्या, डी एल है, डी एल है सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप। तो इसको जब लैम्डा कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है ही, प्लस आर, आर क्या है, कांस्टेंट है, और ये सब कुछ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी एल, और डी एल की वैल्यू कितनी है, टू पाई आर। ओके, लैम्डा जेड टू पाई आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थ्री बाई टू जेड कैप, क्योंकि एवरीथिंग जेड कैप डायरेक्शन में है, कॉस थीटा जेड कैप डायरेक्शन में था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लूप की वजह से इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।